Good morning, friends. See, in this situation, we can take only the online lectures. And after some time, you will say, it is better rather than the school and the tuitions, remember it. Now, for the 11th, we are going to start chapter number 4 of mathematics. The name of the chapter is Principal Mathematical Induction. PMI. What is the meaning of principal mathematical induction? ये आपको समझना है कि भाई principal mathematical of induction means just basing of the some results. There are so many results which are not proved by the mathematicians. वो सिर्फ और सिर्फ result बन के रह गए. जैसे अगर मैं आपको एक sentence देता हूँ, एक statement देता हूँ कि the number of 1, 2, 3, 4, 5 digits, कोई भी ले लो, the number whose unit digit is 5 is divisible by 5. It is a statement. The number whose unit digit is 5 are divisible by 5. It is a statement. There isn't any proof. So there are so many results in mathematics which are not proved by the mathematician. So they are not called the riders or the theorems, but they are the results. अब ऐसे results को without proof we cannot put in the mathematics. तो in this kind of results, for this kind of results, this is the chapter principal mathematical induction. Principal of mathematical induction. Remember it. It is very interesting chapter. So we are starting this chapter. Now, कैसे करेंगे? See, we are not giving the proof in this chapter. We will see, verify only the results, right? See, there is a result. AB is BA. A into B is B into A. There isn't any proof. You know this result. But do you have the proof? No. It is accepted result by this chapter. So we have a principle. If the result satisfies this principle, then the result is called true. We will say it is true. Now there is some restrictions. See, first of all, we will see the result or principle. Now see, कि भी why there is a principle? तो समझो कि किसी एक बच्चे की मम्मी ने उसको बोल दिया कि बेटे तुझे हर महीने की फर्स्ट डेट को रीडिंग करना है. यू हैव टू रीड एट द फर्स्ट डेट ऑफ एनी मंथ एंड देन दूसरे दिन, मतलब जिस दिन तूने पढ़ाई की उसके सेकंड डे भी तुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद तू पढ़ाई नहीं करेगा तो चलेगा, नो नीड ऑफ स्टडी. बेटा खुश हो गया कि भाई फर्स्ट डेट को पढ़ना है, उसके बाद वाले दिन पढ़ना है, देन आई विल बी फ्री. फर्स्ट डेट, लास्ट डेट को ही बोला था मम्मी ने मंथ की एंड में, तो दूसरे दिन फर्स्ट डेट आ गई और वो तो पढ़ने बैठ गया खुशी. फर्स्ट डेट को पूरा पढ़ा, जी लगा के पढ़ा, बोले अब कहाँ ज्यादा पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ता रहा. सेकेंड डेट को भी वो उड़ गया जल्दी, उसको पता चला कि भी दूसरे दिन मुझे पढ़ना है. सेकेंड डेट को भी उसने पढ़ाई कर दी. अब थर्ड को वो आराम से उठने वाला था कि मम्मी की आवाज आई, बेटा उठो. बोले मम्मी आज तो पढ़ाई करनी नहीं है, आज क्यों जल्दी उठना है. बोले बेटा मैंने तो कहा था कि जिस दिन तू पढ़ाई करे उससे दूसरे दिन भी पढ़ाई करनी है. तो बोले चलो ठीक है, एक दिन और खींच लेते हैं. बेटा उठ गया, पढ़ाई करने बैठ गया, पूरा दिन जी लगा के पढ़ा. अब फोर्थ डेट को तो उसने मन से ही नक्की कर लिया कल से तो पढ़ना नहीं है, पर फिर भी सुबह मम्मी की आवाज आई कि बेटा उठो पढ़ना है. बेटा बोला मम्मी ये क्या है. बोले बेटा मैंने बोला तो था कि जिस दिन तू पढ़े उसके दूसरे दिन पढ़ना है. तो बेटे को लगा कि मैं तो फंसा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी मम्मी साइंस पढ़ी हुई है और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसको पता है. बेटे को तो पता नहीं था पर मम्मी को तो था. तो बेटा फंस गया कि बेटे को पूरा महीना पढ़ना पड़ा और 31st आने के बाद वापस फर्स्ट डेट आ गई.
फिर से पढ़ना पड़ा। सो इट इज लाइक दैट रिमेम्बरिंग कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो कोई भी रिजल्ट बाय दिस प्रिंसिपल वी कैन प्रूव, जिसके प्रूफ नहीं है देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, ऑल द रिजल्ट्स आर प्रूव्ड इन नेचुरल नंबर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में ही हम प्रूफ देंगे और कोई सेट में नहीं रिमेम्बर इट। क्या है ये स्टेटमेंट, क्या है ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट, लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट फर्स्ट पी वन इज चीप, सेकेंड वन पी के इज ट्रू, इंप्लाइज, इंप्लाइज मीन्स कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन, इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू, इफ it is done then pn statement pn is true for all n belongs to n, it is the restriction ki bhai koi bhi sum ke liye hum ye principle jab verify karenge actually we will say proof but it is not proof। सारे टीचर्स बोलेंगे कि चलो प्रूव बाय पीएमआई, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बट वी आर नॉट गिविंग द प्रूफ, वी आर ओनली द वेरीफाइंग द सम, रिमेंबर इट, स्टिल वी विल से प्रूफ, राइट, ओके। तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद दिस इज द रिस्ट्रिक्शन कि भाई सारे जो सम्स है उसमें जो वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ और सिर्फ एन बिलोंग्स टू एन के लिए होगा, इट इज द रिस्ट्रिक्शन। सेकेंड थिंग, इतना देखने के बाद पता नहीं चल रहा है सर कि भाई व्हाट इज सेइंग पी वन इज ट्रू पी के इज ट्रू इंप्लाइज, इसका मतलब होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस वन इज ट्रू, इट इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन और इंप्लाइज। वो आगे 14th चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का चैप्टर है, मैथमेटिकल लॉजिक आता है उसमें, इसका ये साइन है तो वहां पे पता चलेगा। अभी इतना ही याद रखो, इट इज कॉल्ड इफ देन फॉर द कंडीशनल स्टेटमेंट इट इज यूज। सो इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस वन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो सर कैसे अप्लाई करेंगे इसे, समझ में नहीं आ रहा है कि पी वन इज ट्रू का मतलब क्या हुआ। तो देखो फॉर सम्स, सम में हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे, लेट पी के बी स्टेटमेंट फर्स्ट P1 is true that we have to prove, ये हमें प्रूव करना है, then we can say P1 is true, P1 is true is order, उन्होंने बोला है कि आप प्रूव करो, this is order by the mathematician। second one except pk is true, ये हमें ले लेना है, ये हमें ले लेना है, except pk is true ये प्रूव नहीं करना है, एंड देन प्रूव pk plus 1 is true। अगर P1 true हो गया, PK को हमने ले लिया और PK plus 1 true हो गया, it means that therefore if it is done
देन पीएम इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू इट. दिस इज द एप्लीकेशन. इज इन दिस वे वी विल यूज, वी विल अप्लाई दिस प्रिंसिपल. इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल. सो टोटल थियरी इज कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर. इतनी ही थियरीज थी. नो डेफिनेशन, नो पोस्टुलेट, नो राइटर, नो थियोरम, नो एनी अदर रिजल्ट. दिस इज अ थियरी. थियरी इज कंप्लीट. नाउ वी हैव टू स्टार्ट सम सम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दिस. वी विल से प्रूव दिस. एक्चुअली इट इज नॉट प्रूफ, रिमेंबर इट. फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दिस. We will say it is a statement. The notation for statement is Pn is 1 plus 2 plus 3 plus n equal to n into n plus 1 by 2. Prove this result. This result is saying the sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. It is the statement. It is given by the mathematician Gauss. इसकी भी एक हिस्ट्री है, थोड़ी स्टोरी भी है, but today we have little time, so कभी मैं आपको वो स्टोरी भी सुनाऊंगा कि मिस्टर गाउस ने ये रिजल्ट किस तरह से प्रूव किया था. उसने गैजिंग से ही ये प्रूव किया हुआ है. एक्चुअली इट इज नॉट प्रूफ, गैजिंग से ही ये पूरा रिजल्ट वेरीफाई किया हुआ है. किस तरह से किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन इज मिस्टर गाउस, राइट. सो प्रूव दिस. द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 by 2. Now by this principle we have to verify this result. See, first of all we will check p1 true hai ke nahi. Abhi dekho ye in this chapter there are four kinds of sum. Pehla jo hai wo this equal to this prove karo. This equal to this prove karne ke liye what is saying statement hi aapko samajhna hai. The meaning of statement is what? The Pn is saying the sum of first n terms. Say first n terms, don't say first n natural numbers, because in this sum we have first n natural numbers. Not every time it is possible, kuch aur bhi aa sakta hai, remember it. So say it is first term, second term, third term, nth term. So we will say the meaning of Pn is sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Getting or not? Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. So what will be meaning of P3? If Pn is sum of first n terms, Pn is what? Sum of first n terms is n into n plus 1 by 2. So P3 will be sum of first 3 terms is 3 into 3 plus 1 by 2. P5, sum of first 5 terms is 5 into 5 plus 1 by 2. P10, sum of first 10 terms is 10 into 10 plus 1 by 2. PK, sum of first k terms is k into k plus 1 by 2. Getting or not? P1, sum of first 1 term is 1 into 1 plus 1 by 2. Getting my point? So we'll start here. For P1, taking n is equal to 1. So in LHS, sum of first one term is 1. In RHS, taking n is equal to 1. Taking n is equal to 1. So 1 into 1 plus 1 by 2, that will be 1. Both are 1. Therefore LHS equal to RHS, and therefore P1 is true. Ye ho gaya. P1 is true.
क्लियर पॉइंट। अभी ये क्या करना है, हमें एक्सेप्ट कर लेना है कि पी के इज चिप, लेट पी के बी चिप। Let PK be true. If PK is true, then sum of first K terms, sum of first K terms is K into K plus 1 by 2. So the result will be PK. The result will be sum of first K terms is K into k plus 1 by 2 number 1. This we will use to prove pk plus 1 is true. pk plus 1 sahi hai, wo prove karne ke liye hum ye result ko use karenge. Getting my point? Now read some. To prove pk, ye ho gaya, ye bhi ho gaya. Ab hum yahan pe hai. To prove pk plus 1 is true, to prove pk plus 1 is true, we have to prove this is the format for all sums. To prove pk plus 1 is true, we have to prove pk plus 1. Now tell me, what is the meaning of pk plus 1? See, the meaning of pn is what? Sum of first n terms is this. The meaning of p5 is what? Sum of first 5 terms is 5 into 5 plus 1 by 2. The meaning of p1 is what? Sum of first 1 term is 1 into 1 plus. So, meaning of pk plus 1 is sum of first k plus 1 terms. So, yahan pe mujhe n ke badle k plus 1 lena hai. So, dekho, sum of first k plus 1 terms. To add k plus 1 terms, the preceding of k plus 1 term will be kth term, and that is k. So, ye ho gaya sum of first k plus 1 terms. It is kth term, and then k plus 1th term will be there. What will be RHS? In RHS, have to take n is equal to k plus 1 into k plus 1 is k plus 2 by 2. To prove pk plus 1 is true, we have to prove this equal to this, or agar aisa ho gaya, the result is proved for all n belongs to n. Getting or not? So we will start from the LHS. Ye hum lenge, ye hum prove karenge. Now LHS. One plus two plus three plus k plus one. But by one, we can say the sum of first k terms is k into k plus one by two. By k, we can say the sum of first k terms is k into k plus one by two. So we can use this result. और ये k प्लस 1 तो है ही हमारे पास बाय रिजल्ट नंबर 1 टेकिंग टू एलसीएम. सो k इनटू k प्लस 1 प्लस 2 इनटू k प्लस 1 अपॉन 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर टेकिंग k प्लस 1 कॉमन द रिजल्ट विल बी दिस. And it is our RHS. See, यही तो हमें prove करना है और आ गया. Therefore, P K plus 1 is true. So therefore, P अभी क्या हुआ? P K true लिया तो P K plus 1 true हुआ. जो मैंने बताया कि भाई बाबले की मम्मी ने बोला कि first date को तो तुझे पढ़ना ही है, और जिस डेट को तू पढ़ रहा है उसके बाद वाले डेट को भी पढ़ना है. तो P1 true हो गया. Now taking K is equal to 1, तो P1 is true implies P2 is true.
दो तारीख को भी पढ़ा, तो टेकिंग के इज इक्वल टू पी टू इज ट्रू इंप्लाइज पी थ्री इज ट्रू, पी थ्री भी ट्रू हो गया, सो टेकिंग के इज इक्वल टू थ्री पी थ्री इज ट्रू इंप्लाइज पी फोर इज ट्रू। तो बाबले को क्या हुआ, पूरा महीना पढ़ना पड़ा, एग्जाम अच्छी गई, रिजल्ट अच्छा आया, बाबले की मम्मी भी खुश, बाबले भी खुश। गेटिंग माय पॉइंट? सो पीके प्लस वन इज ट्रू, देयरफॉर पीके इज ट्रू, पीके इज ट्रू इंप्लाइज पीके प्लस वन इज ट्रू, and therefore statement pn is true for all n belongs to n। this is the format। सारे sums हमें यही way में करने हैं। this is the theory, theory department over, sums भी आज चालू हो गए। इसमें मैंने एक sum आपको करवाया exactly like this, मैं आपको दो सम्स होमवर्क में दे रहा हूँ, रिमेंबर इट। वी विल टेक अल्टरनेट डे लेक्चर्स, अवर लेक्चर्स विल बी ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे 9 to 9:45 ऑन एफबी लाइव, विल बी लाइव लेक्चर एंड इट विल बी अपलोड ऑन यूट्यूब। यूट्यूब की चैनल नेम है ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट, and if you have any doubt you can ask on this number by message or by phone call, you can ask me। so ye sare lectures hamare open rahenge, anyone can attend this lectures, remember it। hum mera target hai ki in this period, in this situation we will complete at least 2 chapters, aur aapko then sure I'm telling you कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड ऑफ एनी स्कूल, नो नीड ऑफ एनी ट्यूशन, एट होम आप 2 चैप्टर पूरे पूरे प्रिपेयर कर सकते हो, इट इज माय गारंटी, रिमेंबर इट, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय दिस रिजल्ट वी हैव टू प्रूव दिस काइंड ऑफ सम्स, इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग यू 2 more questions टू प्रूव, आपको ये होमवर्क में दे रहा हूं, उसके बाद में एक और सम करवा रहा हूं। सी सेकंड क्वेश्चन, पी एन इज See, I am giving you 2 more questions। ये दो आपको करने होमवर्क में by yourself। And if you are in doubt, you can ask me on this number। हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा सीधा थर्सडे को, अल्टरनेट डे पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, टाइमिंग विल बी 9 to 9:45 फॉर द फेसबुक, एंड ये पूरा लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे। सो ऑन यूट्यूब यू कैन सी दिस लेक्चर, आपको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4 पीएमआई फर्स्ट लेक्चर, तो ये पूरा लेक्चर आपको देखने मिलेगा। आपको लेक्चर देखने के बाद लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, रिमेम्बर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द स्टेटमेंट पीएन 1² + 2² + 3² till n² that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। this is our statement। the meaning of statement is what, sum of first n terms। हमारे पास यहां पे terms क्या है, terms are sum of square of natural numbers 1² + 2² + 3² + till n² So our statement will be sum of first n terms is this। in this way you have to prove, क्या करोगे, p1 is true ऐसा prove करो, pk is true
ऐसा आप ले लो, एक्सेप्ट दिस रिजल्ट एंड देन प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू। और अगर ऐसा हो गया तो आप बोल दो कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। क्लियर पॉइंट? कितना व्यूज? सेकेंड क्वेश्चन, वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस एन क्यूब इज एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाय फोर। वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब टिल प्लस एन क्यूब इज एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाय फोर। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं, रिमेम्बरिंग क्वेश्चन फोर। हाँ, टेक्स्ट बुक के ही सारे क्वेश्चंस है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो भाई, वेबसाइट पर जाके गुजरात बोर्ड की, वहां पे आपको टेक्स्ट बुक भी मिल सकती है, तो टेक्स्ट बुक का कोई इश्यू है नहीं, रिमेम्बरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द स्टेटमेंट इज पी एन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन टिल टू एन माइनस वन इज एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। द होल चैप्टर इज फॉर एन बिलोंग्स टू एन। क्लियर पॉइंट? नाउ दिस इज द रीजन, सी इट इज सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स, सो अवर स्टेटमेंट विल बी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इट इज nth ऑड नेचुरल नंबर। सी यहां से क्या होगा, इफ यू टेक n इक्वल टू 1 इट विल गिव फर्स्ट ऑड नंबर्स, इफ यू टेक n इज इक्वल टू 2 इट विल गिव सेकंड नंबर, इफ यू टेक n इक्वल टू 3 इट विल गिव थर्ड टर्म, इफ यू टेक n इज इक्वल टू 4 इट विल गिव फोर्थ टर्म, इफ यू टेक n इज इक्वल टू k इट विल गिव kth टर्म एंड इफ यू टेक n इज इक्वल टू n इट विल बी nth टर्म। सो दिस इज जनरल टर्म, रिमेंबर इट। आगे वाले सब में भी ऐसा ही है, if you take n equal to 1 will be first term, for n equal to 2 second term, getting or not? So remember it, this is our statement, sum of first n terms is n square, this we have to prove by PMI, remember it. For P1, taking n is equal to 1. So in LHS, the meaning of P1 is what? Sum of first one term. बराबर याद रखना, यही पूरा चैप्टर है. The meaning of PN is what? In this kind of sums, there are four kind of sums. It is first kind. P, the meaning of PN is what? Sum of first n terms is n square. So what will be the meaning of P1? Sum of first one term. So taking one term only, that is 1. Taking in RHS n is equal to 1. 1 square is 1. Therefore, LHS equal to RHS. And therefore, P1 is true. अभी हमें क्या करना है, PK is true, वो हमें ले लेना है, right? Let PK be true. If PK is true, then the result PK will be. चलो, what is the meaning of PK?
sum of first k terms. Sum of first k terms. So taking n is equal to k, 1 plus 3 plus 5 plus, taking n is equal to k, it will be kth term is k square. ये हमें ले लेना है. अभी रेड जोन है. क्या करना है? प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? pk plus 1 is true. To prove pk plus 1 is true, we have to prove what is pk plus 1. So what is the meaning of pk plus 1? Sum of first k plus 1 terms. By sum of first k plus 1 terms लाने के लिए मुझे पहली k terms को लेनी ही पड़ेगी. By 3 terms का sum है, फिर 4 terms, तो पहली 3 terms को आएगी, तभी तो वो 4 terms बनेगी. So by taking first k terms, 1 plus 3 plus 5 till kth term, तो ये हो गया sum of first k terms. But we have need of sum of first k plus 1 term. So to find k plus 1th term, it will give k plus 1th term. अभी मैंने बताया आपको कि if it again equal to 1, it will give first term. If it again is equal to 2, it will give second term. If it again is equal to k, it will give kth term. And if it n is equal to k plus 1, it will be k plus 1th term. So taking n is equal to k, 2 into k plus 1 minus 1 equal to, in RHS also we have to take n is equal to k plus 1. So k plus 1 square. So main ise simplify kar raha hu, orally you can also. 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus, simplified, 2k plus 2 minus 1, 2k plus 2 minus 1 is 2k plus 1 is k plus 1 square. देखो हमेशा k plus 1 terms में kth term भी लिखनी है, because to use pk plus 1, मतलब to prove pk plus 1 is true, we have to prove LHS equal to RHS. अब हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी LHS से. So start from LHS. Now LHS is 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 plus 2k plus 1. But by 1, we know that the sum of first k terms is k square, and these are first k terms. So taking k square, expand this bracket, यहां तक का सम आ गया, ये term हमारे पास बाकी है, 2k plus 1 by result number 1. Oh, it is perfect square of k plus 1. So it is our RHS. So easy. Therefore, pk plus 1 is true. And therefore, pk is true implies pk plus 1 is true, and therefore pn is true for all n belongs to n. Clear? So this is the way, this is the format for this kind of sums. ये पहली टाइप का सम हुआ. अभी और भी सम्स बाकी है. These two are in homework. ये आपको करना है. And Thursday we will take next lecture. So be ready for the time at 9 a.m. 9 to 9:45 हमारे lectures.
रहेगा और यही लेक्चर वापस YouTube पे अपलोड हो जाएगा ऑन दिस चैनल ब्लेसी इंस्टीट्यूट यू कैन दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक करो सब्सक्राइब भी करो एंड वी विल मीट थर्सडे हमें दो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं दिस इज अवर टारगेट क्लियर पॉइंट ओके स्टे होम स्टे सेफ ओके बाय बाय सी यू